क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस 13। प्लस प्लस है, जुड़ेगा और चिन्ह भी किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। उसके बाद आता है -7 -6, क्या होगा, क्या होगा, 13। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्लस माइनस, तो हो चुका है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 बराबर क्या होगा, क्या होगा, क्या आएगा, प्लस 7 माइनस 6 बराबर 13। प्लस माइनस माइनस आने की घटेगी और चिन्ह चिन्ह बड़ी संख्या, बड़ी संख्या अब चिन्ह क्या है, प्लस का, क्या है, ओनली वन, ओनली वन, यानी प्लस का वन। उसके बाद आपके पास क्या आता है, -7 + 6 बराबर क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस घटेगा, पर सिर्फ बड़ी संख्या यानी कि -1। उसके बाद आप यहां पे रहेगा +7 + -6 बराबर ठीक है। यहाँ भी क्या होगा बताओ, क्या होगा, वन बताएगा, अच्छा वन आएगा। अब यहाँ पे वन कैसे आएगा, सभी बता रहे हो वन ही आएगा, पक्का वन आएगा, पक्का सुमित्र वन आएगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा प्लस प्लस। तो हम पहले इसको देखेंगे कोष्टक वाला, पहले क्या करते हैं, हमें कोष्टक वाला हल करते हैं। अब यहाँ पे हल करेंगे तो इसका यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, तो गुणा होगा, कोष्टक कटेगा, गुणा प्लस माइनस गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ हो जाएगा +7 - 6। अब यहाँ पे प्लस का साथ और प्लस माइनस माइनस साथ में छाएगा एक, क्या जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मैं लिखता हूँ +7 - -6, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, पक्का 13 ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे +7 - -6, प्लस प्लस 13, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। सुमित्रा और सुहागवती और नेहा ठक्कर, नहीं का नाम नेहा, एक घंटा लगेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है -7 + -6, अब क्या होगा, पक्का आप कहोगे प्लस माइनस माइनस, -7 - -6 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 13 चिन्ह आएगी माइनस, ठीक है। उसके बाद बताओ, इतना हो गया, दिख लिए हो, यहां भी दिख जाएगा -7 - -6 नहीं, माइनस फिर -6, अब क्या होगा, -7 - -6 क्या होगा, -1 पक्का, समझ में आ रहा है सुमित्रा सुहागवती,
समझ में आ रहा है? जस्ट समझ में आ रहा है, क्या आएगा, क्या आएगा? तो आप बोलोगे, पहले क्वेश्चन को वाला कहते हैं ना माइनस माइनस प्लस, अब ये माइनस सेवन सिक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस घटेगा, माइनस का तो माइनस का वन। चलो कम से कम सिम तो समझ गए, प्लस माइनस वाला सब लोग को समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़े, ये हो गया, हो गई। चलो ये था प्लस माइनस वाला, कौन सा था, प्लस माइनस। अब हम बात करते हैं गुणा भाग, कौन सा गुणा वाला मल्टीप्लिकेशन, प्लस सेवन इंटू प्लस सिक्स क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, सभी बताओ क्या आएगा, सबका तो बयालीस। आज की प्लस क्या है, प्लस 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 का प्लस ये आएगा सक्षम बयालीस। फिर है आप लोग के लिए माइनस सेवन इंटू माइनस सिक्स, अब क्या आएगा, इतना आएगा, अब नहीं होगा माइनस। हम गुणा बताए हैं, माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे चेंजिंग बड़ी चीज छोटी चीज नहीं देखा जाएगा, ठीक है, बड़ा चीज छोटा चीज नहीं देखा जाएगा। आप माइनस माइनस को जो गुणा करने पे आ गया वही माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस जोड़ने के बाद प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सक्षम बयालीस। ये भी क्या आएगा, ओनली बयालीस, ठीक है, प्लस पे ही होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं माइनस सेवन इंटू प्लस सिक्स, अब बताओ अब क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, अच्छा माइनस का पक्का। उसी प्रकार अगर मैं इसको कहूँ प्लस सेवन इंटू माइनस सिक्स क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस का बयालीस, समझ गए ना, मतलब प्लस माइनस माइनस होगा गुणा होने के बयालीस, और प्लस माइनस माइनस से माइनस, समझ गए। दोबारा रिपीट रिपीट हो गया एग्जाम्पल के साथ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो जैसे कि वन है, ठीक है, वन की पावर ऑड नंबर क्या होता है, ऑड इवन मीन्स क्या होता है, ऑड मीन्स सबका, ऑर्डर सिस्टम होता है, इवन मींस अवार्ड मींस पक्का, लोड बोल के ऑड मींस विषम ना, हाँ विषम, माइनस एक के साथ जब ऑड संख्या से पावर होगा तो आंसर भी हमेशा किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा, किसमें आएगा, माइनस पे आएगा। अगर किसी भी संख्या का पावर इवन हो जाए फिर माइनस में संख्या होगा, इसमें आएगा प्लस में आएगा, क्या हो जाएगा वन। अगर ये सम संख्या है तो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। अब इसको हम समझते हैं प्लस में आएगा माइनस में क्यों आएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे माइनस वन, ठीक है, क्या है, माइनस का वन है, इसकी पावर पांच है, क्या है,
पावर 5 क्या बताओ आंसर क्या आएगा माइनस वन ही आएगा अगर मैं कहूँ इसकी पावर 4 है तो क्या आएगा प्लस का 1 आएगा तो कैसे तो आप समझो ये है माइनस वन इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 एक दो तीन चार एक और ऊपर माइनस का ऊपर ठीक है माइनस 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 लेकिन एक माइनस छूट गया एक माइनस छूट गया ये तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे लेकिन ये माइनस आएगा यहाँ माइनस इससे गुणा करोगे तो एक इससे गुणा करोगे एक इससे गुणा करोगे तो एक मतलब एक ही आएगा लेकिन ये माइनस को वन गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का वन इसलिए क्योंकि यहाँ पांच तो था चार ने तो इसको सम में बना दिया क्या कर दिया पॉजिटिव नंबर दे दिया सम दे दिया लेकिन एक था विषम जो छूट रहा था उससे गुणा करेंगे तो विषम में चला जाएगा है ना इसलिए अगर ये विषम हो तो माइनस का वन आएगा अगर सम हो तो प्लस का वन आएगा अब देखो ऐसे माइनस का वन इंटू माइनस का वन इंटू माइनस का वन इंटू माइनस का वन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक आ जाओ एक 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 बराबर एक क्योंकि प्लस प्लस से प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस ये प्लस प्लस गुणा करेंगे तो एक ही आएगा समझे अब यही चीज में हमारे यहाँ पांच को था अब ये प्लस प्लस का करें तो एक अब यहाँ पे एक माइनस का वन से गुणा करेंगे तो माइनस का वन हो जाता ना इसलिए अगर इसकी माइनस वाले की पावर 5 होगा आने की विषम संख्या होगा हमेशा आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा अगर वो सम में होगा तो ये इसको भी सम बना देगा समझ गए ना अगर ये विषम में पावर तो ये विषम ही रहेगा अगर सम में है तो इस माइनस को भी सम बना देगा समझ गए ना बस ऐसे समझ लो नहीं समझे क्या समझे समझ गए उस बात नहीं बताए थे उस बात नहीं बताए थे लेकिन बीच में बताए थे बीच में बताए ठीक है आगे बढ़े अगर आप एग्जाम्पल कराएंगे इसका भी क्वेश्चन है आगे आगे करा देंगे क्वेश्चन बाकी फॉर्मेट समझ गए ना अब उसके बाद आप तुम लोग कटाओ क्या कटाओ 16/4 अब मैं सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन नियम क्या सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन नियम जो आपके लिए महत्वपूर्ण कटाओ नियम अब ये बताओ इसको भाग करना है भाग करोगे सीधा आंसर क्या आएगा आप बोलोगे चार एक तुम चार चलो 16/4 अगर यही पास ये 4/16 होता तो आंसर कितना आता कितना आता कितना आता यहाँ पे आया 4/1 मतलब एक से भाग दोगे तो भी कितना आएगा 4 ही आएगा लेकिन यहाँ पे आएगा 1/4 लेकिन इसको 1 से 4 मतलब 1 को 4 से भाग नहीं कर सकते करोगे तो फिर पॉइंट में आएगा ठीक है 4/16 कितना आएगा 1/4 लेकिन 16/4 क्या आएगा ओनली 4 या 4/1 एक से भाग देखो कोई फर्क नहीं पता पड़ेगा 4 ही आएगा ये समझ गए बेस्ट है इतना समझ में आ गया ना छोटा वाला सब कर लोगे अब उसके बाद अभी टेबल बढ़ेगा धीरे धीरे सोलह बटे तीन इंटू 9/4 बताओ अब इसमें कैसे करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बहुत लोग क्या करेंगे पहले क्रिया कूड़ा कौन बोल रहा है क्रिया कूड़ा होगा क्रिया पूरा कौन बोला क्रिया पूरा होगा नहीं होगा आगे आ जाओ इधर
ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे तिरियन जुड़ा होगा नहीं, गुणा होता है प्लस और माइनस में, कहाँ होता है? प्लस और माइनस में। यहाँ क्या होगा, बहुत लोग क्या करेंगे, 16 निम्न करेंगे फिर 3 चौक करेंगे फिर 1 को काटेंगे, एक तो इससे करेंगे, इससे करेंगे फिर गुणा करेंगे। यहाँ पे जहाँ गुणा वाला नियम हो वहाँ पता है क्या करते हैं, ये गुणा वाला नियम मतलब ऊपर का भाग है नीचे, चाहे इसका भी भाग नीचे वाला, इसके भाग नीचे वाला, सबसे भाग है नीचे वाला, मतलब उसे काट सकते हो। तो आपका गुणा वाला क्या कर सकते हो, 3 से 9 को काट सकते हो, 3 इकाई 4 चको 4 इकाई ऐसे, समझे? काट सकते हो ना, नहीं काट सकते? काट सकते हैं, ये अधिकतर लोगों का गड़बड़ होता है, यही काट ही नहीं पाते, क्या करते हैं, काट ही नहीं पाते। ध्यान से नेहा ध्यान रखना, सुभागवती और सुमित्रा और लगभग लगभग सबको समझ में आता है, रोशनी ध्यान रखना, रोशनी नहीं कर पाते लेकिन चीज समझना, ठीक है, बाकी लोग तो लगभग लगभग कर लेते, ठीक है। इसके बाद मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चार बटे तीन प्लस तीन बटे दो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, काम करो, पीछे सुनो, पीछे सुन जाओ सब, पीछे वहां से क्या उनको नहीं बोल रहा, बैठ जाओ, वो पीछे संचिता उठ के आके यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। और जो 6 आया है एलसीएम उसमें से इनका हमको भाग करना है, 30 कितने बार जाएगा, तो 2 का गुणा आके यहां हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस का है तो प्लस, फिर यहां पे 2 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा 3, 3 गुणा यहां हो जाएगा, कितना जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 8 9 17 बटे 6, ठीक है, एक तरीका। और अगर यहीं पे हमको माइनस 1/3 दिया हुआ है, तो माइनस 1/3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस 1/3 दिया हुआ है। अब यहां पे क्या करेंगे आप, फिर यहां फिर भी तिरियन गुणा करेंगे तो उसमें लगेगा समय, आप सिंपल से यहां फिर क्या करोगे, इस तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना हुआ 6, अब इससे भाग करोगे 3 2 आएगा, 4 दूनी 8 प्लस इससे करोगे 3, 3 इकाई 9, फिर ये माइनस तो ये माइनस, 3 दूनी 6 और 1 का गुणा 2, 3 दूनी ना 2 तो गुणा पर 2, यहाँ कितना आएगा 15/6, समझ गए, ऐसे ये प्लस वाले में होता है माइनस वाले में, आसान पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, कौन सी विधि से, एलसीएम, ठीक है, चलो आगे बढ़े।
यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम, प्लस वाले ये हमको ये इसको अलग कर दिया और प्लस इसको भी अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब आपको पता है कूड़े के बाद हम काट पीट सकते हैं, तो ये मत कर देना कि इस दो को काट दो, वो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस इसको अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। कूड़ा होता तो हम काट सकते, यहाँ से इसको भी काट सकते, यहाँ से हम उधर पीछे भी काट सकते, यहाँ से इसको भी काट सकते। तब जब ये चीज कूड़ा में होता तब ये प्लस है, ये इसको अलग कर दिया, ये इसको अलग कर दिया, क्योंकि इसमें है गुड़े में, इसमें है गुड़े में, जिनको अलग अलग कर दिया। अब हम इसको पहले करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर ही हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दो से काटेंगे पांच, दो से काटेंगे तीन, इसके अलावा कुछ कट रहा है नहीं, नहीं कट रहा है। आप यहाँ क्या कर सकते हो, पांच बटे तीन, गुड़े पांच बटे एक, प्लस दो बटे तीन गुणे एक बटा पांच। अब यहाँ क्या कर सकते हो, पांच बचे पच्चीस बटे तीन, प्लस दो एक कम दो बटे पंद्रह, क्या हो जाएगा पंद्रह। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या करेंगे सुमित्रा, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तीन और पंद्रह के एलसीएम क्या होगा सब सुमित्रा बताओ, सालनी क्या होगा, तीन और पंद्रह का एलसीएम क्या होगा बताओ, पंद्रह क्या होगा बताओ सुमित्र, स्वागत पंद्रह ही होगा, होगा नहीं पता, तीन और पंद्रह का एलसीएम क्या होगा, तो इसका हम बोले हैं तीन और पंद्रह से वो कटने वाले सबसे छोटे से छोटे सही, तो पंद्रह तीन से कटने वाले सही है, सिर्फ पंद्रह ही है ना, तीन और पंद्रह के एलसीएम क्या होगा पंद्रह। अब इस पंद्रह को हम इस तीन से भाग करेंगे, कितना आएगा पांच, और इस पांच को यहाँ पे गुणा कर देंगे पच्चीस, तो पच्चीस बचे कितना 125, प्लस इस 15 से इस 5 को भाग करेंगे तो 1, 15 एक कम 15 और 1 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 125 और 2 127 बटे 15, समझ गए। यहाँ से ऐसे हम काट पीट कर सकते हैं, प्लस वाले में एलसीएम लेके करेंगे, समझ गए। अगर प्लस हो तो अलग अलग होगा वो, ठीक है, प्लस होता अलग अलग ये कार्ड दिया, मतलब इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, फिर करने के बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। यहाँ क्या हो जाएगा, देख अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, ये पांच दिया है पांच एक्स, तो पांच एक्स खत्म कर, ऐसे आप ही नहीं, क्या ऊपर प्लस पे क्या है प्लस, सबसे पहले आप ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसको जोड़ो, ठीक आ जाएगा सात एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर है ना बटे पांच एक्स। अब इसमें क्या कर सकते हो, एक्स क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो ऊपर, यहां से अगर एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा
और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ तीन और एस, क्योंकि स्क्वायर में था एक कॉमन आ गया, बटे पांच एस। अब ये गुड़े में है, ये भी गुड़े में है, अब इसको क्या कर सकते हो, गुड़े गुड़े वाला काट सकते हो। हमको क्या फाइंड हुआ, सात प्लस थ्री एक्स अपान, ठीक है, मतलब कैसे भी चीज को आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। एडवांस में चलते हैं, यहाँ पे समझ में आया नहीं आया, अगर स्वागति ध्यान रखना तो अच्छा, ठीक है, बार बार समझ कम आ रहा है, कलम नहीं रुकना चाहिए, चलो ये लेवल हाई पड़ जाएगा, ये लेवल अभी देखो, सरकार को सर वीडियो चल रहा है तो ऑनलाइन कुछ खरीद करते हैं, देखिए बता के क्वेश्चन क्या क्या कैलकुलेशन नियम पढ़ा है, फर्क मान लेना, खा रहा हूँ सब क्या है, ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या कर सकते हैं, क्या दो से कोई काटेगा, इसको काटोगे तीन से, इसको काटोगे, बीच में प्लस हो गया और ये पूरी लाइन क्या है,